अर्जुन अवार्ड के लिए सिरमौर की बेटी रितु नेगी ने प्रधानमंत्री मोदी व अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया। चीन के होंगझो में आयोजित एशियन गेम्स में रितु की कैप्टनशिप ने भारतीय कबड्डी टीम ने जीता था गोल्ड। सिलाई हल्के के दूरदराज शिरो गांव में पाली बड़ी रितु नेगी की टीम 2011 में मलेशिया में हुई जूनियर कबड्डी टीम में भी दिला चुकी है भारत को स्वर्ण पदक। होंगझो में भारत के लिए 100वां गोल्ड जीतने के बाद भारतीय कबड्डी टीम की नाटी हुई थी सोशल मीडिया पर वायरल। मीडिया पर सोशल मीडिया पर नाटी फोक डांस के ब्रांड एम्बेसडर भी कहे जा रहे हैं वुमेन कबड्डी टीम के रितु नेगी, सुषमा शर्मा व पुष्पा राणा। भारतीय वुमेन कबड्डी टीम कैप्टन रितु नेगी ने उन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित किए जाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी व यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का विशेष आभार जताया। इसके अलावा रितु ने उन्हें कबड्डी स्टार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले अपने माता पिता भारतीय रेलवे हरियाणा सरकार टीम कोचेज तथा सहयोगी खिलाड़ियों को भी थैंक्स कहा। गत अक्टूबर माह में चीन के होंगझो में आयोजित एशियाई खेलों में रितु की कप्तानी वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 100वां मेडल जीता था और उस दौरान भारत को पहली बार एशियन गेम्स में 100+ मेडल दिलाने वाले तमाम खिलाड़ियों के साथ साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने महिला कबड्डी टीम को विशेष तौर पर बधाई दी थी। सिरमौर जिला के सिलाई हल्के के दूरदराज गांव शिरोग में पली बड़ी रितु नेगी का विवाह गत वर्ष पानीपत के बुड़शाम गांव के रोहित गुलिया से हो चुका है और दोनों रेलवे में नौकरी करते हैं। जानकारी के अनुसार इससे पहले रितु नेगी वर्ष 2011 में मलेशिया में आयोजित जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में भी भारत को गोल्ड दिला चुकी है और नेशनल व इंटरनेशनल लेवल की कई कबड्डी प्रतियोगिताओं में बतौर कैप्टन बेहतर परफॉर्मेंस दिखा चुकी है। होंगझो में आयोजित एशियन गेम्स के दौरान गोल्ड जीते जाने पर भारतीय महिला कबड्डी टीम द्वारा की गई नाटी उस दौरान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। भारतीय कबड्डी टीम के खिलाड़ी रितु नेगी, सुषमा शर्मा व पुष्पा राणा द्वारा ठेठ अंदाज में किए जा रहे नाटी डांस के कुछ अन्य वीडियो भी लाखों लोग देख व पसंद कर चुके हैं और मीडिया तथा सोशल मीडिया इन खिलाड़ियों को नाटी फोक डांस का ब्रांड एम्बेसडर भी कहा जाने लगा है। नमस्कार, मैं रितु नेगी और मुझे अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और उसके बाद सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन श्री कुलदीप राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद और हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा कबड्डी एसोसिएशन का भी धन्यवाद करना चाहूंगी तथा AAFI का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिनके सहयोग से आज मुझे अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और इंडियन रेलवे का भी धन्यवाद करना चाहूंगी रेलवे सेक्टर का क्योंकि मैं अभी इंडियन रेलवे से खेलती हूँ और उनका बहुत सपोर्ट रहा है और विशेष धन्यवाद मैं श्री नरेंद्र मोदी जी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी का करना चाहूंगी और इसके साथ साथ जो हमारे टीम मेंबर है चाहे मैं पहले हिमाचल टीम से खेलती थी चाहे साउथ सेंट्रल रेलवे की टीम से खेल रही हूँ या फिर इंडियन रेलवे की टीम से खेलती हूँ या फिर इंडिया टीम से खेल रही हूँ तो उन तमाम खिलाड़ियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि हमारी टीम गेम है तो टीम गेम में सभी का साथ रहता है तो उनके सहयोग से आज मुझे नॉमिनेट किया गया और उन सभी कोचेस का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इतना वर्कआउट कराया इतनी मेहनत करवाई बहुत प्रैक्टिस करवाई है चाहे वो हिमाचल के कोचेज हो चाहे रेलवे के हो चाहे इंडिया टीम के हो चाहे साउथ सेंट्रल के हो तो उन सभी कोचेज का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सदा खाना सदा बना भाईरा दुखड़ा भाइये जाना बुढ़े बजुर्गोरा करना मान हाथियों सबुल मारी पहचान लोया सुतनो टूपिरिशान हाथियों सबुल मारी पहचान बोलो लोया सुतनो टूपिरिशान हाथियों सबुल मारी पहचान।